पहुंचे सो जूता चप्पल समारे के निकल एकनी के 3 दिन समय कर पहुंचे गोपालगंज जिले में जा जा के जो होतनी जा जा के जो होतनी मगर ई लौकत नहीं के से तीनू बहुत काम लगे सारा तो कम बोलियो त अब जाके अब रहे अब काम से बात नहीं कर रहा के का कर दे अब मार लगे तो हालत खराब हो गई हालत खराब हो गई समझ गई पचास में कौन की वायरल होगा तो ये बात कौन की वायरल होगा तो कौन नहीं हो ये पूछा खतरा है तो नहीं हो कमेंट में ये शूटिंग होगा था तो जब वायरल होगा कहते तो लोग मन में करता तो लोग नजर में चल रखा लोग तो हम भी करते हैं ये बात हम पूछे रहते हैं ना ये जब पूछा चाहते तो ये बात होगा था रोने आंख से लोग कहते हैं कि तो मर मेरे के साथ ही ओरिजिनल रोने लगा था मेरा रूम मर्द के साथ आपको बता दे कि अभी हम वही दो महिलाएं जो हैं आपस में शादी की हैं उनके घर पर अपने टीम के साथ पहुंचे हैं उनका जो जूता चप्पल से हम लोग स्वागत करेंगे लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे भी कि वो कितना बेसरबी की हद पार कर दी है। यही उनका घर है, उनके घर के सामने हम खड़े हैं, घर दिखाइएगा। दो पैसे की औकात नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं गाँव के लिए। लड़का सबको भी धमकी देती है, ये जो लड़का सभी लोग केस फौजदारी का धमकी देती है, जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शादी वादी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ड्रामा की है लोग, बाकी कुछ नहीं है। चलिए हम आइए दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। गाँव जवार नाक कटवा दिया इनका लोग का सपोर्ट रहुआ लोग करी लोग आगे बढ़ाई हुई वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। हम कितने तरफ गाँव के लड़का संग चलिए गाँव को लेकर तुम क्या कौतल की जेल भेजवा दे तरह कौतल जेल भेजवा दे तरह कौतल हो ना भाई कौतल कौतल जेल भेजवा दो जेल भेजवा दे प्रधानमंत्री सुनी ना यहाँ लोग के प्रधानमंत्री है लोग हमने का लड़की लड़की प्यार करम से तई रोक दम लोग के प्यार करम से रोक दम काहे ना रोक लो के जब ही लड़का लड़की से प्यार होता तो रोक रोका जाता क्यों नौटंकी कइले बड़ो हां तो हमने का नौटंकी में कौन बात बा प्यार बात शादी बात बेटा का इसका बेटा इधर बेटा काहे हां हमर बेटा तो कब कोद रुकल की हम लगे ना रहे अच्छा लो तो अपने बाप के लग रहा है जो थोड़ी हमरा लग रहा है बाप नहीं जा बड़े नहीं बाप नहीं जा काहे खाती कब तो बाप को ले जाई बाप लेते जाई ना रखे नजर में झूठ बात कौन बात अब प्यार करके शादी कर मीडिया है तो मीडिया से सुनाई मीडिया है तो मीडिया से सुनाई ज्यादा पढ़ाई महत्व ठीक बा पढ़ाई काम हालत खराब समझ गई ये बात पूछे के चाहते रहो ये बात पूछे के चाहते रहो ये बात पूछे के चाहते रहो कोई शादी हो गया तो पूरा नेशनल मीडिया चलाओ तो सच्चाई जब नेशनल रिकॉर्डिंग सुना दी क्या क्या करा के धमकी दिलवा सुना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या लगा मोबाइल सुना क्या धमकी के दिलवा
मतलब खीरा से मनाई कि बैगन से स्वागत मनाई कि कितना बार मनाई, चार बार मनाई, दो बार मनाई। हम लोग खुद अब सोच लिए कि ऐसा नहीं करना है। वायरल होने का बुखार, भूख, सब नशा उसा सब उतर गया, उतर गया। देख सकते हैं कि हम लोग टीम खाना नहीं खाए, चेहरा भी देख सकते हैं दोनों का। यही वायरल होने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ही हम भी सोचे कि चलो मामी बहन जी हैं तो थोड़ी ना कर लेंगे। अब चूमा चाटी बोला, चूमा चाटी दिखाओ, ये करके दिखाओ, बता दे रहे हैं। जो जो भी बोल रहे हैं ना कि पैसा लेके इंटरव्यू ले रही है, तो अब हम इनके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं ना। अब जो भैया आएंगे ना मीडिया वाला, तो 500,000 रुपया तैयार रखिएगा। तो अब हम लोग के पास भी नहीं बोला कि ये शादी झूठ का है, कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। जब दंडित हम मैंने दंडित करने का ये लोग काम किया, तो अब ये जाके अब ये लोग सच्चाई बक रहे हैं। तो एक चीज नहीं देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया ने ये सारी चीजें जानते हुए नेशनल मीडिया ने ऐसे ऐसे न्यूज को प्रमोट कर, इन लोगों ने नेशनल मीडिया से कहा था कि हमको वायरल होना है। नमस्कार जयंता, देख रहे गोपालगंज फोकस, मैं हूं आपके साथ अंजलि। जिस तरीके से गोपालगंज का एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मामी ने की अपनी भगनी से शादी, मामी ने रचाई अपनी भांजी से शादी, मामी ने बैगन से मनाई सुहागरात, ये खबर हमारी नहीं है, ये खबर इन मामी मामी और भगनी का है। इन दोनों का ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है लगातार बहुत टाइम से यूट्यूब वगैरह पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं दिखाई। यहाँ तक कि नेशनल मीडिया, टीवी सैटेलाइट चैनलों ने भी इस न्यूज को प्रमोट किया, जो कि हालांकि एक कॉमेडी वीडियो थी। हमें पता चली, हम सच्चाई जानने पहुंच गए। गोपालगंज कैसी है? ठीक है। तो फोकस कीजिएगा इनके चेहरे पे, भगनी ये है और ये मामी है। ये दूल्हे के भेस में थी और ये दुल्हन के भेस में थी, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आई और इन्होंने इन्हें अपना पति माना, सिंदूर लगवाया, प्रणाम किया, पूरा परंपरा अच्छे से निभाया और नेशनल मीडिया ने उस चीज को ऊपर बढ़ाया। टीवी मीडिया का ये, अखबार का ये, बहुत से लोग होते हैं कि अब मानते हैं कि भैया कंटेंट के लिए बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी नकली न्यूज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कौन है आपके साथ? आज देखिए, आज हम लोग खुद का अकेलापन महसूस कर रहे हैं और
बात तो ये है कि हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते थे और ये वीडियो गुमराह करने की हम लोगों का कोई विचार और व्यवहार नहीं था कि हमारे वीडियो से मतलब गांव समाज का बदनामी हो और हमारे जिला को लेकिन आपके वीडियो से पूरे गोपालगंज की बदनामी हो गई, पूरे समाज की, आपके परिवार की, आपके परिवार की, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे, आप दोनों के बच्चों की भविष्य कहीं ना कहीं आगे जाके आप लोगों ने जी जी अब हम लोगों को इतना नहीं पता था कि हम लोग भैया से बोले थे कि भैया वीडियो वायरल कौन से भैया से बोले थे आप? यही जो बड़ा बड़ा जो टीवी चैनल हाँ अच्छा। वही आए थे तो बोले थे कि भैया एक कॉमेडी वीडियो आया है, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, क्या आप वायरल करवा देंगे? वो बोले क्यों नहीं, तो हम लोग लास्ट में अपना नाम भी बताए कि भैया हम लोग का थोड़ा चैनलवा के नाम भी ले लीजिएगा और उसमें डुप्लीकेशन में डाल दीजिए। बोले भैया ठीक है क्यों नहीं डालेंगे, हम लोग सोचे कि सच में अब डाल देंगे, हम लोग भी थोड़ा वायरल हो जाएंगे। क्या डाला उन लोगों ने? नहीं तो उन लोगों ने ये चीज डाला कि जो मामी भगनी कर ली शादी, उन्होंने सिर्फ इतना ही फोकस किया जितने में इन लोगों की शादी हो गई और जितना से उन लोगों को व्यू जा सकता था। आप क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहता था कि हमें देख बस वीडियो हमें एकदम कॉमेडी था शूट करते नहीं सर, वही के मध्य वीडियो शूट करते नहीं सर, अब हम ही क्या पता कि कोई एक बार में कोई टीवी पर हमें वीडियो लिया दी। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये गोपालगंज के ही है, गोपाल इनसे जानते हैं गोपालगंज में आपके ये सब चल रहा है, क्या आपने इस बारे में एक बार छानबीन नहीं कि नेशनल मीडिया कैसे इस चीजों को? मैंने इनको पूरा, मैं शादी इनका हो गया था, मैं मंदिर में पहुंचा था, इनको पूरा कोशिश किया, इनसे पूछा भी मैंने कि आप बताइए कि ये शादी सही का है कि झूठ का है, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये शादी झूठ का है, कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। जब दंडित करने का ये लोग काम किया तब ये जाके अब ये लोग सच्चाई बक रहे हैं। तो ये चीज नहीं देख रहे कि नेशनल मीडिया ने ये सारी चीजें जानते हुए नेशनल मीडिया ने ऐसे ऐसे न्यूज को प्रमोट कर, इन लोगों ने नेशनल मीडिया से कहा था कि हमको वायरल होना है, उन्होंने बोल दिया ठीक है चलो वायरल कर दिया इनको। तो नेशनल मीडिया लगातार आप लोगों सोशल मीडिया में ये है भैया कि मामी ने मनाई भांजी के साथ सुहागरात, मामा जी के बैगन पसंद नहीं आया का, सुहागरात में कौन किसके ऊपर चढ़ा, यही सब सुनने के लिए वायरल होने के लिए, क्या आप लोग ये दिन देखने के लिए वायरल होने के लिए वीडियो बनाई? नहीं नहीं नहीं, ये सब हम खुद गंदा लग रहा है कि जब लोग पूछ रहे थे तो हम लोग को शर्म बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन हम क्या करें, हम लोग को तो वायरल होने का भूत सवार था। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वायरल होने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, वैसे ही हम भी सोचे कि चलो मामी भांजी है तो थोड़ी ना कर लेंगे, अब चूमा चाटी बोला चूमा चाटी दिखाओ, ये करके दिखाओ, अथी मतलब खीरा से मनाई कि बैगन से सुहागरात मनाई कि कितना बार मनाई, चार बार मनाई, दो बार मनाई, अब लोग यहाँ लोग आप लोग भी तो वीडियो में बोल रही थी कि दो बार मना लिए हैं, ये कर लिए है वो कर लिए, तो गलती आप लोग की नहीं है? तो बोलने पर मजबूर कर दे, कैसे अफसोस कैसे हुआ कि भैया ये सब हमको नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे लगा कि माफी मांगना चाहिए जनता से, ये सब सच्चाई? ये भैया आए थे तो भैया आए थे समझाए थे और मानने भी पड़े थे कि तुम लोग ये सब समाज में क्या परोस रही हो, क्या देखा रही हो, हमारे समाज कहाँ तक जा रहा है, ये गोपालगंज के हम लोग हैं, गोपालगंज सारा बदनाम करके रख दियो, कहाँ तक ले जा रही हो बदनाम करके। तो हम लोग बोले इन भैया से, नहीं भैया तो ये कॉमेडी हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और उसी कॉमेडी के वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप गोपालगंज के जनता से, गोपालगंज के लोगों से, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, सबसे, अपने बच्चों से क्या कहना चाहती है? अपने बच्चे और अपने समझदार, अपने गांव जवार, जितने भी मेरे मतलब दर्शक देख रहे हैं, सबसे मैं गोर छुपे सबन से माफी मांगते हैं। आज के बाद बोली गलती ना हुई कि आज के बाद गलती नहीं होगा और दोबारा गलती करेंगे तो ये भैया तो पीछे खड़े हैं जो मारने वाले थे, तो पीछे खड़े हैं, आई सब ड्रामा था, नौटंकी था, ठीक है, कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, वायरल होने का भूत सवार था, इसलिए अब हम लोगों को क्या पता था कि आगे से ऐसा कुछ कीजिएगा तो याद रखिए सबसे पहला हाथ मेरा होगा। जी जी, हाथ मेरा हो, हाथ आपका रहेगा तो चाट ये सब मेरा रहेगा, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं करेंगे कि दिखाने के लिए कि अब लोग बाप रे बाप, हम लोग खुद अब सोच लिए कि ऐसा नहीं करना है। वायरल होने का बुखार, भूख, सब नशा उसा सब उतर गया, देख सकते हैं कि हम लोग टीम खाना नहीं खाए, चेहरा भी देख सकते हैं दोनों का, यही हमारा इंटरव्यू गलती सवाल नहीं ना दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी को गलत सवाल नहीं देंगे, और जो भी आएंगे ना, अब बता दे रहे हैं जो भी बोल रहे हैं ना कि पैसा लेके इंटरव्यू ले रही है, तो अब हम इनके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं ना,
अब जो भैया आएंगे ना मीडिया वाला, तो 5,000 रुपया तैयार रखिएगा, तब हम लोग के पास आइएगा और सच्चाई दिखाने के लिए आइएगा, नहीं तो आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, जैसे हाल में है वैसे छोड़ दीजिएगा। आप लोग कोई फायदा हुआ ये वायरल वीडियो चलाने से? कोई इन लोगों को फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जो भी हुआ इन लोगों को। आप देख रहे थे गोपालगंज फोकस, इन लोग वायरल तो हो गए, ये लोग बदनाम भी पूरे समाज में हो गए, लेकिन इनको फायदा हुआ तो 0 या 98 रुपए की। लेकिन नेशनल मीडिया जैसे पत्रकारों को, टीवी चैनलों को हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसे ऐसे झूठे खबरों को प्रमोट किए हैं, उन अखबारों को कि आखिर जो अपने आप को अखबार कहते हैं, जो अपने आप को टीवी चैनल सैटेलाइट मीडिया कहते हैं, जो हमते हैं, आज उन लोगों के गाल पर यह एक ऐसी तमाचा है कि शायद उनको अपने आप में शर्म आ रही होगी कि उन लोगों ने किस चीज को प्रमोट किया है। और पूरी सच्चाई आपके सामने एक यूट्यूबर ही लेके आया है, ना कि कोई नेशनल मीडिया। आप खोज रहे हैं दो जो शादी की है मामी भगनी, उसको आप खोज उसको आप ढूंढ रहे हैं? ऐसे कलंकित लोगों को जो समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं वो मौन होकर देख रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है हमारे समाज वाले को कि ऐसे घृणित करने वाले को 12-14 घंटा से पूरे इंडिया लेवल का न्यूज चल रहा है और ये लोग इनको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं सुबह से ही मन बना लिया हूँ कि आज इन दोनों ये जो चरित्रहीन औरत हैं, महिलाएं जो चंद पैसों के लिए हमारे समाज में गंदगी फैला रही हैं, वायरल होने के लिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए, मैं इनको दंडित करूँगा, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। मैं अभी बेलवनवा हनुमान मंदिर पे खड़ा हूँ, मैं बंजारी भी जाकर उनको ढूंढा, पता चला कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आज नहीं तो कल मैं उनको पब्लिक के सामने ला कर रहूँगा और जूता से मारूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि समाज में गंदगी फैलाने वाले को, अश्लीलता फैलाने वाले का क्या असर होता है, ये गलत है। मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, क्योंकि अब जो वीडियो होता है हमारी बहनें बेटियाँ हमारे लोग देखते हैं। आखिर क्यों ऐसा, क्यों इन यूट्यूबरों का वर्चस्व बढ़ रहा है और हम लोग चुप हो रहे हैं, आखिर क्यों? दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा समाज पूरे तरह से भ्रष्ट हो जाएगा और फिर हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो संस्कृति के नाम पर सिर्फ ऐसे ही एक भ्रम रह जाएगा। आखिर क्यों ऐसे लोग, क्या एक औरत से शादी कर सकती है? आप हमें जवाब दीजिए, आखिर हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ तक कि NDTV इंडिया, News 24, News 18, ये जो दलाल पत्रकार हैं हमारे देश के, जो 500 रुपया में जो दिखाते हैं, इन लोगों के द्वारा भी इनका न्यूज दिखाया गया, थोड़ा भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अगर वो जांच पड़ताल करते तब उनका चेहरा बेनकाब हो सकता था। ये जो औरतें हैं, ये 500 रुपया पर न्यूज बनाने के लिए, मैं पहले भी इनका न्यूज सिवान में देख चुका हूँ। मेरे भाई, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप उनको हमसे सामना करवाएं, तब जाके मैं उनको दंडित करूंगा और अपने पूरे समाज को दिखाऊंगा कि आखिर क्यों एक लड़की से शादी कर सकती है। खोज रहा हूं मैं दो दिनों। अगर मैं उनको जूता से मार कर अपने समाज के सामने नहीं लाता हूं तो मेरा भी नाम सुफियान खान नहीं। दोस्तों, मेरी तलाश है उन दो लड़कियों की जो फ्रॉड है, जो 500 रुपया के लिए मंदिर में वीडियो बनाती हैं, मेरी उनको तलाश है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। मामी और भांजी ने प्यार किया और अब एक दूसरे के साथ शादी भी रचा ली है। तस्वीर देखिए, मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा दुर्गा मंदिर की है। मामी और भांजी के इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं ये शादी इलाके के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज के गांव की रहने वाली शोभा कुमारी और उनकी भांजी सुमन कुमारी दोनों 3 साल से एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। प्यार में पागल मामी और भांजी ने शादी करने का फैसला किया और घर से भागकर सासामुसा स्थित दुर्गा मंदिर में शादी रचा ली। मामी और भांजी ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर 7 फेरे लेने के बाद एक दूसरे के साथ
जीने मरने की कस्में खाई गई। क्या करने के? शादी करने के लिए। किससे शादी हो रही है? ओ भगनी से। आपकी भगनी से शादी? जी। कि प्यार कहाँ से परवान पे चढ़ा? हो गया 3 साल प्यार करते हैं इससे। और इससे कोई परिजनों को आपत्ति नहीं है? नहीं कोई से मतलब नहीं। आप लोग घर छोड़ के शादी कर? जी। कहाँ रहिएगा आप लोग? कहाँ रहेंगे आप लोग? अब शादी कर लिया तो अब इसको बीमारी मारे है लोग, कहाँ रखना है, कहीं नहीं रखना है। 7 जन्मों का आप लोग कसम खा लिया है? जी खा लिया। 3 साल से इनसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम शादी कर रहे हैं इनसे। और ये भी प्यार करते हैं मुझसे। क्या लगती है? ये मेरी मामी रिश्ता में लगती है। यानी कि मामी और भांजी में शादी? हाँ। कितने दिन उससे प्यार कर रहे? 3 साल से प्यार कर रहे हैं। परिजनों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हम लोग खुद भाग के किए हैं। आपत्ति हो या कुछ भी हो मुझे वो नहीं पाता है, बस मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पे दो औरतों का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि गोपालगंज जिला सासामुसा रेलवे स्टेशन के पास मंदिर का ये घटना है। हमने वहां पे जाके जांच किया तो पता चला कि ये दोनों औरतें बिहार गोपालगंज जिले की नहीं है, ये दोनों औरतें यूपी मोहम्मदपुर की है।